गुड मॉर्निंग। आज हम लोग आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 35, 36 और आई थिंक क्वेश्चन नंबर 33 ये कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। बहुत जल्दी ही आप लोग का ये चैप्टर शायद कल प्रैक्टिकल्स के मामले में क्लोज हो जाए, समाप्त हो जाए, ख़त्म हो जाए, ठीक है। और जैसे ही इसके प्रैक्टिकल्स एंड होते हैं, जितने मैंने करवाए हैं आपको वीडियोस के थ्रू उतने ही आप लोग करेंगे, और जैसे ही इसके प्रैक्टिकल्स एंड होते हैं मैं इसके थ्योरी की क्वेश्चन आपको बता दूंगा कौन कौन से पढ़ने हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव मैं खुद आपको एक वीडियोस बनाकर समझा दूंगा। इट मीन्स मान के चलिए कि 14 तारीख तक आपका ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 15 दिन का एक चैप्टर आप यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 आस्था क्लब 31 दिसंबर 2017 का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्राप्ति भुगतान खाता दिया है। दोनों मीडियम वाले आप बुक सामने रखे, मैं पहले बोल चुका हूँ विदाउट बुक आप इस वीडियो को ना देखें, जिस दिन बुक आएगी उस दिन देखें। बट अभी फिलहाल आपको आस्था क्लब का प्राप्ति भुगतान खाता रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है और आपको समायोजनों की मदद से विद द हेल्प ऑफ एडजस्टमेंट आय व्यय खाता बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। ऊपर लिख देंगे आस्था क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तारीख डाल देंगे 31 दिसंबर 2017 जो भी है, यहाँ आपके एक्सपेंसेस आ जाएंगे और यहाँ आपकी इनकम आ जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्रेडिट की सारे भुगतान को, क्रेडिट की सारी पेमेंट को हम डेबिट में ले आएंगे और डेबिट की सारी प्राप्तियों को, डेबिट के सारे रिसीप्ट को हम क्रेडिट में ले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्रेडिट की सारी चीज़ों को मैं डेबिट में ला रहा हूँ। सबसे पहले वेतन है, सैलरी 1500 रुपये, 1500 अब इस पे एक एडजस्टमेंट है और वो ये है कि वेतन 150 रुपये प्रति माह, सैलरी 150 रुपीज पर मंथ 31 अक्टूबर 2017 तक दिया गया, पेड ओनली 31 अक्टूबर 2017। देखिए ये सवाल 2017 का है और 2017 में 12 महीने होते हैं, 12 मंथ, और जो सैलरी आपने पेमेंट करी है वो अक्टूबर तक ही पेमेंट करी है, मतलब नवंबर और दिसंबर की सैलरी अभी देना बाकी है, यानी कितने महीने की, 2 महीने की आउटस्टैंडिंग है, अदत्त है। तो एक महीने की सैलरी 150 रुपये, तो 2 महीने की सैलरी 150 रुपीज इंटू 2 300 रुपये हो जाएगी, 150 × 2 300 रुपये, इसका मतलब 2 महीने की सैलरी 300 रुपये देना बाकी है, उसको प्लस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद है विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट डेबिट में आएगा, खर्चा है एक्सपेंसेस है आप पूरा लिख देना उसे, ये है आप लोगों का 725। उसके बाद है छपाई का खर्चा प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, ये भी खर्चा है डेबिट में आ जाएगा एक्सपेंसेस है, ये है आप लोगों का 150 रुपीज 150 रुपये। उसके बाद है फर्नीचर, फर्नीचर नहीं आता है, फर्नीचर हमारी संपत्ति है तो 200 रुपये का फर्नीचर नहीं आएगा, इसका ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है विनियोग इन्वेस्टमेंट, ये भी नहीं आएगा, ये भी हमारी असेट्स है, ये भी हमारी संपत्ति है, ठीक है। फर्नीचर नहीं आता है पर फर्नीचर पर लगने वाला डेप्रिसिएशन आता है डेबिट में, और विनियोग इन्वेस्टमेंट नहीं आता है पर उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट ब्याज आता है क्रेडिट में, मैं कई बार बता चुका हूँ कई बार आपको। फिर है समाचार पत्र न्यूज़पेपर, ये डेबिट में आ जाएगा। और ये है आप लोगों का 40 रुपये 40 रुपीज। उसके बाद है बिजली बिल इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस,
ये इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस जो है वो है आप लोगों के 60 रुपीज, और उसके बाद रोकड़ शेष है कैश बैलेंस जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आता है, ये डेबिट की चीज है, सॉरी क्रेडिट की चीज है, डेबिट में आ गई है। और अब हम डेबिट की चीजों को क्रेडिट में ले जाएंगे, मींस प्राप्तियों को आय बना देंगे, रिसीट को इनकम बना देंगे। तो सबसे पहले रोकड़ शेष है, कैश बैलेंस, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आता है। फिर चंदा, सब्सक्रिप्शन, आपको तीन प्रकार के चंदे, 3 types of subscription है, यहाँ पे 3 प्रकार के चंदे दिए है, ठीक है, 3 types के सब्सक्रिप्शन यहाँ पर दिए है। उसमें से 16 और 18 का चंदा आप छोड़ देंगे, 16 और 18 का सब्सक्रिप्शन आप ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि आपको इसी साल का चाहिए, 2017 का चंदा, सब्सक्रिप्शन 1020 है, 1020, और इस पर एक एडजस्टमेंट है, इस पर एक समायोजन है कि क्लब में 300 सदस्य हैं, ठीक है, क्लब में 300 सदस्य हैं, ओके, और एक सदस्य 10 रुपए चंदा देता है। क्लब हैज 300 members, क्लब में 300 member है, और एक मेंबर 10 रुपए के हिसाब से 3000 रुपए चंदा देता है, और इस साल आपको 3000 रुपए चंदा मिलना चाहिए और मिला है सिर्फ 1020, इसका मतलब 1980 1980 रुपीज अभी मिलना बाकी है, एक्रूड है, मिलना बाकी है, उसको प्लस कर देंगे, ये हो गया आपका 3000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद दान है, डोनेशन, ये क्रेडिट में जाएगा, ये आपकी इनकम है, ठीक है, और कोई समायोजन नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसका मतलब पूरा पूरा आयगत मानना है, रेवेन्यू। उसके बाद है किराया, रेंट, ये प्राप्ति में दिया है, रिसीप्ट में दिया है, मतलब ये आपको मिला होगा। ये है 300। उसके बाद ये ब्याज, इंटरेस्ट, ये क्रेडिट में आएगा, ये आपकी इनकम है, क्योंकि इनकम में दिया है, और ये दिया हुआ है 150। प्रवेश शुल्क, एंट्रेंस फीस, ये आप लोगों की इनकम होती है, आय होती है, क्रेडिट में आनी चाहिए, बट यहाँ लिखा है कि प्रवेश शुल्क का आधा भाग पूंजीयन करना है, एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज ऑफ हाफ पार्ट, मतलब आपको प्रवेश शुल्क का आधा हिस्सा, हाफ पार्ट पूंजीगत मानना है, कैपिटलाइज मानना है, तो वह हाफ हिस्सा छोड़ देंगे, 1800 का आधा 900 रुपये यहाँ आएगा, जो हाफ पूंजीगत करना है, जो आधा पूंजीगत करना है, कैपिटलाइज उसे छोड़ देंगे, ठीक है, बाकी बचा हुआ 900 रुपए आधा वाला हिस्सा यहाँ आ जाएगा बाय एंट्रेंस फीस। उसके बाद मनोरंजन से आय, इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट, ये क्रेडिट में आएगा। लिख दे रहा हूं शॉर्टकट में आपको मैं, ये 700 रुपए 700 रुपीज हो गया, क्रेडिट की सारी चीजें डेबिट में आ गई, डेबिट की सारी चीजें क्रेडिट में आ गई। अब असेट्स और सॉरी एडजस्टमेंट क्या दिए, पहला एडजस्टमेंट हो चुका है, दूसरा एडजस्टमेंट विनियोग पर, इन्वेस्टमेंट पर 6% 6% 6% 6% 4 महीने का 4 month का इंटरेस्ट लगाना है, यानी आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उस पर आपको 6 महीने का 6% 4 month का 6% 4 month का इंटरेस्ट मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट तो आता नहीं है, इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट आता है, तो देखिए आप इन्वेस्टमेंट कितना है, ये जो विनियोग है इन्वेस्टमेंट 500 रुपए है, 500 इन्वेस्टमेंट किया क्यों जाता है, ताकि उस पर ब्याज मिल सके, इंटरेस्ट तो इन्वेस्टमेंट तो नहीं आएगा, लेकिन इस 500 रुपए के इन्वेस्टमेंट पर आपको 6% 4 महीने का 4 month का इंटरेस्ट मिलेगा, और उसे आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, 20 से 20 कैंसिल, ये 2 times कैंसिल, और 2 times कैंसिल 10 रुपए पर 10, ठीक है, तो ये आपका क्रेडिट में आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, उसके बाद एडजस्टमेंट है, आपको फर्नीचर पर 5% और बिल्डिंग पर 4% डेप्रिसिएशन लगाना है। तो सबसे पहले तो आप देखो इस क्वेश्चन के अंदर 1 जनवरी की संपत्ति और दायित्व दिए हैं,
1 जनवरी की असेट्स और लायबिलिटीज दी है। देखिए आप क्वेश्चन के नीचे ही है, एडजस्टमेंट के ऊपर, बिल्डिंग 10,000 के दिए, फर्नीचर 2,000 का दिया है, स्टोर्स 4,000 के दिए, क्रेडिटर लेनदार 1,500 के दिए हैं। इनका आय व्यय खाते से, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से कोई कनेक्शन नहीं है। ये हमारे इस आस्था क्लब की संपत्ति और दायित्व है, असेट्स और लायबिलिटीज जो बैलेंस शीट में आती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं, इसलिए इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन डेप्रिसिएशन लगाते समय इनका असर पड़ेगा। आप देख सकते हो बिल्डिंग जो है 10,000 की है और बिल्डिंग पर आपको 4% डेप्रिसिएशन लगाना है, तो बिल्डिंग तो नहीं आएगी, लेकिन बिल्डिंग का 4% यानी 400 रुपए डेप्रिसिएशन डेबिट में आएगा। क्योंकि संपत्तियां नहीं आती, असेट्स नहीं आती, उसका डेप्रिसिएशन आता है, ठीक है। और उसके बाद में फर्नीचर की बात करें तो 1 तारीख के दिन, देखिए आप अपनी बुक में, 1 तारीख के दिन आपके क्लब में 2,000 रुपए का फर्नीचर था और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में फर्नीचर दिया है 200 का, और जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको फर्नीचर दिया है 200 का, 200 का, इसका मतलब कि वो आपने अलग से खरीदा है, ठीक है। और 1 तारीख के दिन आपके पास पहले से 2,000 का पड़ा हुआ था, मतलब आपके पास टोटल फर्नीचर 2,200 रुपए का है जो बैलेंस शीट में जाएगा, लेकिन उस 2,200 के फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो 5% लगेगा, ठीक है, इस टाइप से 5%, ठीक है, 110, 120 या 110 और क्वेश्चन वैसे एंड हो चुका है। क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके आप लोग इसका सरप्लस निकाल सकते हैं और अकॉर्डिंग टू योर बुक आपका जो सरप्लस आएगा वो आ जाएगा 3,435। उम्मीद करता हूँ आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को तुरंत 36 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वेट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं। 36 क्वेश्चन में भी आप लोगों को अभिनव कला समाज का प्राप्ति भुगतान रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, और विद द हेल्प ऑफ दिस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इस आय व्यय, इसकी सहायता से आपको आय व्यय खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा इसलिए इस पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, देखते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या तारीख डाल देना 31 दिसंबर 2017, ठीक है, यहाँ लिख देना अभिनव कला समाज, ओके। और अब इसे थोड़ा सा सिंसियर होके समझेंगे तो बेटर होगा आपके लिए भी, क्योंकि ये थोड़े बड़े क्वेश्चन से, देन इसे समझना ज्यादा जरूरी है, ये आपकी इनकम है, ठीक है। वही बात हमेशा की तरह, क्रेडिट के सारे आइटम्स डेबिट में आ जाएंगे। सबसे पहले संगठन व्यय है, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, ये डेबिट में आ जाएगा। मतलब बिजनेस को संगठित करने के व्यय, स्टेबल करने के एक्सपेंसेस, ये आपको दिए 6,000 रुपए, 6,000 रुपीज। और तुरंत वही पर एक एडजस्टमेंट है, और वो ये है कि जो 6,000 रुपए है इसमें 400 रुपये 2018 के, इंक्लूडिंग 400 रुपीज ऑफ 2018, यानी अलग से नहीं है, इसमें 2018 के 400 रुपये शामिल है। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी खर्चा उसी साल का होना चाहिए, अगर बाकी है तो प्लस करो और ज़्यादा दे दिया तो माइनस करो। तो इस खर्चे में अगले साल का एक इंक्लूड हुआ खर्चा शामिल है, तो इसमें से आप 400 रुपये माइनस कर दीजिए 2018 के है, क्योंकि आप सवाल 2017 का कर रहे हो, तो ये हो जाएगा 5,600, ठीक है। उसके बाद टेलीफोन चार्जेस है, डेबिट में आ जाएगा, खर्चा है। ये आप लोगों का 540, 540। उसके बाद बिजली व्यय है, इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस, खर्चा है।
डेबिट में आ जाएगा 250। उसके बाद स्टाम्प और स्टेशनरी, स्टाम्प एंड स्टेशनरी, ठीक है, इसी में प्रिंटिंग भी आता है, छपाई भी। देखिए स्टेशनरी के साथ प्रिंटिंग होता है, मुद्रण, ये आपको दिया हुआ है 600 रुपए, और इस पर एक एडजस्टमेंट है कि अदत्त दायित्व आउटस्टैंडिंग लाइब्रेटीज, मतलब छपाई अदत्त है, मुद्रण का बिल अदत्त है, प्रिंटिंग का एक बिल आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, तो आप इसको प्लस कर देंगे, यह जाएगा 750 से 150। उसके बाद यात्रा व्यय ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस डेबिट में आ जाएगा, ये दिया हुआ है आप लोगों को 150 150। बैठक व्यय मीटिंग एक्सपेंसेस डेबिट में आ जाएगा, और ये मीटिंग एक्सपेंसेस जो दिया है वो 500 रुपए है, 500। किराया रेंट डेबिट में आ जाएगा, और ये आपको दिया हुआ है 5400। और इस पर एक एडजस्टमेंट है कि किराया 300 रुपये अदत्त है, रेंट 300 रुपये आउटस्टैंडिंग है, तो इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ग्रंथालय लाइब्रेरी, हमारी लाइब्रेरी हमारे लिए हमारी संपत्ति है, असेट्स है। लाइब्रेरी मतलब एक छोटी सी बिल्डिंग होती है जहाँ बुक्स वगैरह अरेंजमेंट करके रखी जाती है, तो लाइब्रेरी उसकी रखी हुई बुक्स, उसमें रखा हुआ सारा फर्नीचर, ये हमारी संपत्ति असेट्स, और असेट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आती है। उसके बाद है सुरक्षा कोष में दान, डोनेशन ऑफ नेशनल डिफेंस फंड, एक आपने किसी प्रकार का दान किसी को दिया है, ये क्रेडिट में दिया हुआ दान है, भुगतान में दिया हुआ दान है, पेमेंट में दिया हुआ डोनेशन है, यानी ये डोनेशन आपको मिला नहीं है, आपने पेमेंट किया है, तो ये आपका खर्चा है, डेबिट में आएगा, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ का ध्यान रखे। उसके बाद कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस, फिर आप जानते हो कि कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस हमारी संपत्ति होती है, असेट, ये नहीं है, ठीक है। आगे है कि क्रेडिट की चीजें तो डेबिट में आ गई, और अब डेबिट की सारी प्राप्ति या डेबिट की सारी रिसीप्ट क्रेडिट में इनकम बनकर जाएगी, तो कैसे जाएगी, सबसे पहले कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस है, ये बैलेंस शीट में जाता है, यहाँ नहीं आएगा। चंदा, सब्सक्रिप्शन, तीन प्रकार के चंदे दिए, 3 types of subscriptions ही है, इसमें से आप केवल 2018 का 17 का ही लोगे 20,000 20,000, ठीक है। और इस पर कोई समायोजन नहीं है, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ओके। आगे है हॉल का किराया, हॉल रेंट, प्राप्ति में दिया है, रिसिप्ट में दिया है, मतलब क्रेडिट में आएगा। ये है आप लोगों का 1250 1250। सिक्योरिटी का ब्याज, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी एक प्रकार का विनियोग है, सिक्योरिटी एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है, इसका ध्यान रखना। तो ये सिक्योरिटी का ब्याज ना होते हुए विनियोग का ब्याज है, सिक्योरिटी का इंटरेस्ट ना होते हुए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, तो ये की इनकम क्रेडिट में आएगा। और ये दिया हुआ है 1000 रुपये 1000। अब इस पर एक एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट ये है कि समाज के पास, समाज होल्ड, यानी जिस समाज का हम सवाल कर रहे हैं, अभिनव कला समाज का, इसके पास 40,000 रुपये के विनियोग, पूरा नहीं पढ़ा मैंने, इस समाज के पास 40,000 रुपीज की नेशनल डिफेंस सर्टिफिकेट है, इस समाज के पास 40,000 के राष्ट्रीय सुरक्षा सर्टिफिकेट है, मतलब इस समाज ने 40,000 रुपये का विनियोग किया है, इन्वेस्टमेंट, यानी 40,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट इस समाज ने करके रखा है, और इन्वेस्टमेंट को आता नहीं है, इन्वेस्टमेंट हमारी असेट्स है, फिर इन्वेस्टमेंट क्यों किया है भैया, क्योंकि उस पर ब्याज मिल सके, तो उस इन्वेस्टमेंट पर आपको 3% ब्याज मिलना चाहिए, 3%, तो 1200 होता है, और मिला है केवल 1000, इसका मतलब 200 रुपये मिलना बाकी है, ये हो गया आउटस्टैंडिंग, ठीक है।
उसके बाद दान है, डोनेशन क्रेडिट में आएगा, क्यों नहीं आएगा, 100% आएगा आपकी इनकम में। लेकिन यहाँ एक एडजस्टमेंट है, मैंने बताया था कि दान अगर आपको किसी विशेष चीज के लिए मिला हो, स्पेशल पर्पस के हिसाब से मिला हो, तो वो स्पेशल डोनेशन बन जाएगा और वो यहाँ नहीं आता, बैलेंस शीट में जाता है। देन डोनेशन के ऊपर एक एडजस्टमेंट है कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए दान की राशि का कोष बनाना है। डोनेशन आर टू बी फंडेड ऑफ मीटिंग ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ कल्चरल प्रोग्राम। इसका मतलब ये है कि आपको जो दान मिला है, आपको जो डोनेशन मिला है, उससे आपको नॉर्मल इनकम नहीं मानना है, उससे आपको कल्चरल प्रोग्राम के लिए फंड बनाना है। मीन्स ये सामान्य दान नहीं है, नॉर्मल डोनेशन नहीं है, ये विशेष दान है, स्पेशल डोनेशन, इसलिए ये यहाँ नहीं आएगा। ये आपका दायित्व तो बन जाएगा, लाइबिलिटीज, और ये बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, आगे हैं टेलीफोन से प्राप्त रिसीव फ्रॉम टेलीफोन, टेलीफोन से आपको इनकम भी क्रेडिट में आएगा। 50 रुपए दिया है 50, ठीक है। इसके बाद एक एडजस्टमेंट और है कि 1 जनवरी को ग्रंथालय में 20,000 रुपए का बैलेंस पड़ा हुआ है, 1 जनवरी को लाइब्रेरी में 20,000, लाइब्रेरी अकाउंट में 20,000 का बैलेंस है, तो लाइब्रेरी हमारी असेट्स है, उसे पड़ा हुआ बैलेंस भी हमारी असेट्स होती है, तो फर्क नहीं पड़ता, ये तो आता ही नहीं, वैसे भी लाइब्रेरी आएगी नहीं। उसके बाद आप क्रेडिट का टोटल लगाएं और क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके जो भी आपका आंसर आएगा वो सरप्लस माना जाएगा, एक्सेस ऑफ इनकम माना जाएगा। ये आ जाएगा आपका 4010, 4010, ठीक है। ये हो गया, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, बट इजी क्वेश्चंस पहले करेंगे हम लोग। इसके बाद आई थिंक 3 प्रैक्टिकल्स और 3 एग्जांपल्स, ऐसे कुछ 6 क्वेश्चन बचेंगे। मतलब मान के चलिए कि अगले 2 दिनों में आपका वीडियोस के थ्रू प्रैक्टिकल्स एंड हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, आपको जयश्री क्लब का प्राप्ति भुगतान खाता दिया है, जयश्री क्लब का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, ठीक है। और नीचे लिखा है कि इससे आप आईवे खाता बनाइए, इससे आप प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, देखते हैं। हमें बनाना है जयश्री क्लब का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, 31 दिसंबर 2017 के लिए, ठीक है। तो आप थोड़ा फास्ट वर्क करें तो आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा और कम से कम मेरा भी कोर्स थोड़ा जल्दी हो जाएगा, आपके लिए थोड़ा सा फास्ट वर्क करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि ये क्या है। सेम प्रोसीजर, क्रेडिट की सारी चीजें डेबिट में आ जाएगी, डेबिट की सारी चीजें क्रेडिट में आ जाएगी। तो सबसे पहले क्रेडिट की चीज है किराया, रेंट 5,000 रुपए, 5,000 रुपीज डेबिट में आ जाएगा। इस पर एक एडजस्टमेंट है किराए में। देखो, सबसे पहली बात तो आपने जो किराया डेबिट में लिया है, रेंट डेबिट में लिया है, वो ये सोचकर लिया है कि ये 2017 का है, ठीक है। अब देखते क्या दिया है, किराए में 300 रुपए 2016 के है, और 300 रुपए अभी देना शेष है। इंग्लिश में 300 रुपीज स्टिल अनपेड, सॉरी, रेंट इज 300 रुपीज फॉर 2016 एंड 300 रुपीज स्टिल अनपेड। इसका मतलब जो रेंट आपके सामने है उसमें पिछले साल के 2016 के 300 रुपए इंक्लूड है। पहले इसको माइनस कर दो, हमें अगला पिछला नहीं चाहिए, अगला पिछला अलग से दिया है तो छोड़ दें, और अगला पिछला इंक्लूड है तो माइनस करें, और इस साल का जो मिलना या देना बाकी है उसको प्लस करें, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4,700 और 300 रुपीज अनपेड, 300 रुपये अभी देना बाकी है, मतलब ये इस साल का है, इसको प्लस कर दें तो फिर से 5,000 हो जाएगा। असर तो नहीं पड़ेगा, इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, बट आपको उसे शो तो करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, नॉर्मल सी बात है, जो सैलरी आपको मिली, सॉरी, तो सैलरी आपने दी
5000 रुपये, उसमें पिछले साल की 300 रुपये इंक्लूड है, शामिल है, तो आपको पहले उसे माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है। और जो इस साल की सैलरी बच गई थी, देना बाकी है 300 रुपये, 300 उसको आपने प्लस कर दिया, ठीक है। उसके बाद लेखन सामग्री है, स्टेशनरी है, खर्चा है, डेबिट में आएगा। इस पर भी एक एडजस्टमेंट है कि स्टेशनरी में 312 रुपये 216 के हैं और 364 रुपये अभी देना शेष है, वही सेम प्रोसीजर। स्टेशनरी 312 इज फॉर 2016 एंड 364 स्टिल ड्यू, ड्यू मीन्स अभी देना बाकी है, बात एक ही है, वही सिंपल है कि पिछले साल की इंक्लूड है और इस साल की देना बाकी है, तो पिछले साल की जो शामिल है उसको माइनस करो और इस साल की देना बाकी है उसको प्लस करो, तो पिछले साल की जो है वो 312 है, 312 माइनस करेंगे और इस साल की जो मिलना बाकी देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग नहीं है, ड्यू है, वो 364 3,120 रुपीज आपकी सैलरी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मजदूरी है, वेजेस डेबिट में आ जाएगा। ये जो वेजेस है ये है 5330। उसके बाद बिलियर्ड मेज है, बिलियर्ड टेबल, टेबल कुर्सी मेज, ये सब आपकी संपत्ति है, असेट्स ये नहीं आएगा, उस पर डेप्रिसिएशन आएगा, वो भी बोला हो तो आएगा। फिर रिपेयर है, मरम्मत, डेबिट में आएगा। ये आपको दिया हुआ 806,806। उसके बाद ब्याज है, इंटरेस्ट, डेबिट में आएगा। ये है आप लोगों का 1500 रुपये, 1500। उसके बाद रोकड़ शेष है, कैश बैलेंस, ये नहीं आएगा, तो क्रेडिट की सारी चीजें डेबिट में आ गई है और अब डेबिट की चीजें क्रेडिट में जाएगी, रोकड़ शेष, कैश बैलेंस ये नहीं जाता है। चंदा सब्सक्रिप्शन, 3 चंदे दिए हैं, 3 सब्सक्रिप्शन दिए हैं। अब आप खुद समझदार हो इसमें से कौन सा लोगे, तो इस साल का 2017 का, ठीक है। 16,900 इस पर एक एडजस्टमेंट है और वो एडजस्टमेंट ये है कि वर्ष 2017 का चंदा 468 रुपये लास्ट में लिखा है अप्राप्त है, ठीक है, मतलब इस साल का 468 रुपये अभी मिलना बाकी है, उसको प्लस करेंगे। इंग्लिश वाले 2017 फॉर सब्सक्रिप्शन 468 और सीधे आप लास्ट में चले जाए इस ड्यू, यानी चंदा 468 रुपये बाकी है, ड्यू है, इसको प्लस करो। एक और एडजस्टमेंट है, ठीक है, लेकिन मैंने वही एडजस्टमेंट पढ़ा जो चंदे से संबंधित है और इस साल का चंदा 468 रुपये अभी अप्राप्त है, मिलना बाकी है, अभी रिसीव होना बाकी है, ठीक है। उसके बाद है प्रवेश शुल्क, एंट्रेंस फीस, ये आपको मिलता है तो ये क्रेडिट में आएगा, ये आपकी इनकम है। अब कुछ नहीं बोला है, मीन्स रेवेन्यू मानना है, आएगा आएगा। ये आप लोगों का 350 है, 350। उसके बाद लॉकर का किराया, लॉकर रेंट 500 रुपये। इस पर भी एक एडजस्टमेंट है कि लॉकर का किराया 60 रुपये 2016 का है और 90 रुपये अभी लेना शेष, मतलब जो लॉकर का किराया आपके पास है उसमें 60 रुपये पिछले साल के शामिल है ना, और 90 रुपये अभी मिलना बाकी है, तो जो पिछले साल के शामिल उसको माइनस करेंगे, तो मिलना बाकी है उसको प्लस करेंगे। इंग्लिश वाले लॉकर रेंट 60 रुपीज फॉर 2016, मतलब इसमें 2016 का 60 रुपये शामिल है, तो पहले उसको हटा दे, माइनस कर दे, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है 90 रुपीज स्टिल इज एरियस, एरियस में मिलना बाकी है, ठीक है, उसको प्लस करें, ओके। उसके बाद में है राज्यपाल की पार्टी का विशेष चंदा, स्पेशल सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नमेंट पार्टी, यानी आपको एक विशेष चंदा मिला है, स्पेशल सब्सक्रिप्शन, और मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि विशेष चंदा, स्पेशल सब्सक्रिप्शन किसी खास काम के लिए मिलता है, वो नहीं आएगा, यानी ये राज्यपाल की पार्टी के लिए, गवर्नर की पार्टी के लिए मिला हुआ सब्सक्रिप्शन है,
तो ये नहीं आएगा, इसका यूज गवर्नर की पार्टी के लिए किया जाएगा, ये आपका दायित्व बच जाएगा, लायबिलिटीज ये आपकी इनकम नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो उस पर जो एक एडजस्टमेंट है कि राज्यपाल की पार्टी का चंदा अप्राप्त है, मिलना बाकी है, तो स्पेशल सब्सक्रिप्शन पार्टी ऑफ गवर्नर इज ड्यू, ये भी नहीं आएगा। जब यही नहीं आएगा तो उसका एडजस्टमेंट भी नहीं आएगा, ठीक है। अब आप लोग आंसर निकाल देंगे, क्रेडिट का टोटल लगा देंगे, उसमें से डेबिट माइनस कर देंगे, और जो भी आएगा आपका सरप्लस आ जाएगा, और आपका सरप्लस जो आएगा 2492 आएगा। आप इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब आपके थ्री वीडियोस 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है।